आज आपका ये लास्ट लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट जो हमारा चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इसमें हम आपको केबल्स वाले न्यूमेरिकल कराएंगे, जिसमें आपकी रस्सी या केबल्स होती है जिस पर जगह जगह पर वेट लटका हुआ होता है। आज इसी के न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि इस पिछले लेक्चर में भी हमने आपको एक इसका न्यूमेरिकल कराया था। आज दो तीन न्यूमेरिकल इसके और कराएंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ए वायर रोप इज फिक्स एट टू पॉइंट ए एंड डी एज शोन इन फिगर। एक वायर की रोप है जो ए और डी पॉइंट पर फिक्स है। देखिए, यहाँ ए और डी पॉइंट पर ये फिक्स हो गई। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। टू वेट 20 किलो न्यूटन एंड 30 किलो न्यूटन आर अटैच्ड टू इट एट बी एंड सी। दो वेट हैं आपके, एक 20 किलो न्यूटन का, एक 30 किलो न्यूटन का, जो बी और सी पॉइंट पर अटैच है। देखिए, वर्टिकली डाउनवर्ड अटैच है ये। उसके बाद क्या कहा है, द वेट रेस्ट विद द पोर्सन ए बी एंड बी सी इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो वेट है आपका 20 किलो न्यूटन, वो आपका वर्टिकली 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो आपका ये 30 किलो न्यूटन है, ये आपका 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए, दिया है ना, द वेट रेस्ट विद इन द पोर्सन ए बी एंड बी सी इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। यानी जो ए बी पोर्सन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी पर 50, और जो आपका बी सी पोर्सन है, बी सी पोर्सन आपका 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्या दिया है, फाइंड द टेंशन इन द वायर इन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड ऑल्सो द इंक्लाइनेशन ऑफ द सेगमेंट सी डी टू वर्टिकल। ए बी बी सी और सी डी तीनों में कितनी कितनी टेंशन लगी है ये बताना है, और जो ये सी डी है ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है ये बताना है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका इधर डायग्राम बना लेता हूँ। ये इस तरह से है, फिर ये यहाँ से ऐसे आया, फिर ये यहाँ से ऐसे, इस तरह से है। ये आपका यहाँ 30 किलो न्यूटन का वेट है, यहाँ आपका ये 20 किलो न्यूटन का वेट है। ये एंगल आपका जो है ये 30 डिग्री है, और ये एंगल आपका 50 डिग्री है। क्लियर है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। मैंने मान लिया ये डी वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि मुझे निकालना है। उसके बाद मैंने क्या माना कि यहाँ टेंशन है आपकी T1, यहाँ है T2, और इसमें है T3। क्लियर है भाई? इसमें T1 हो गई, इसके अंदर T2 हो गई, इसके अंदर T3 हो गई। अब बात आती है, देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम की। एक तो बी पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक सी पॉइंट के लिए। क्लियर है? तो देखिए, जब मैं बी पॉइंट की बात करूँगा तो बी पॉइंट पर आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इस बी पॉइंट पर देखिए, ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहां पर एक तो आपका वेट ये काम कर रहा है कितना, 20 किलो न्यूटन। एक इस तरह से ये आपकी टेंशन लगी है T2 ये वाली, और एक इस तरह से ये टेंशन लगी है T1 ये वाली। ठीक है? नहीं, अब इनके एंगल देखते हैं कि कितने कितने एंगल बना रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहां ऐसे बढ़ा दूं तो ये एंगल 30, ये एंगल कितना, ये 90, तो ये कितना बचेगा, 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो ये 30, ये 90, ये कितना बचेगा, 60। यानी ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये तो एंगल पता चल गया आपको। अब बात आती है इस एंगल की, ये कितना बना रहा है। देखिए, इसका मुझे पता है वर्टिकल से 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आ गया आपका 50। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें लामीज लगा के हम T1 T2 निकाल लेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे लामीज, T1 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, T1 के अपोन में आएगा इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है 50। तो T1 upon sin 50 = T2 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, T1 और 20 किलो न्यूटन के बीच का एंगल। यानी ये कितना है, 60, और ये है 90। तो 60 90 कितना हो गया, 150 = 20 के अपोन में क्या आएगा, 20 के अपोन में आएगा T1 और T2 के बीच का एंगल। अब ये कैसे निकलेगा, ये देखिए भाई, भाई ये तो हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 50। तो ये बचेगा 360 में से, ये तीनों माइनस कर दो, तो 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300। फिर उसमें से 90 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 210, और 210 में से 50 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 160। यानी ये एंगल आपका बचेगा 160 डिग्री। कितना बचेगा, 160। तो यहाँ से आप देखिए, इसके इक्वल पहले से रखो तो क्या आ जाएगा, T1 upon sin 50 = 20 upon sin 60। तो यहां से T1 की वैल्यू आपकी आएगी 20 sin 50
अपॉन साइन 60। तो T1 की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आई 44.79 न्यूटन। ऐसे ही T2 निकालेंगे तो T2 क्या आ जाएगा, इसके को इसे इसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 साइन 160 है। ठीक है, 20 साइन 50 अपॉन साइन 160 तो T1 के लिए आ गया, T2 के लिए क्या आएगा, 20 साइन 150 ओवर साइन 160, यह जाएगा आपका 29.23 न्यूटन। तो यहाँ से आपने बड़ी आसानी से दो वैल्यू फाउंड आउट कर ली, एक T1 की और एक T2 की। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए आपका ये T1 भी निकल गया, ये T2 भी निकल गया। अब बात करते हैं इसकी सी पॉइंट की। तो जब सी पॉइंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखिए सी पॉइंट में एक तो ये आपका वेट काम कर रहा है कितना, 30 किलो न्यूटन। एक ये T3, अब T3 का एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण है दोनों, तो ये वाला एंगल आपका थीटा आ गया यहाँ से, क्लियर है। एक आपका ये T2 जो है, एक आपका ये T2 लगा हुआ है, तो ये जो T2 है ये कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये एंगल है आपका कितना, 50, ठीक है। नहीं, अगर मैं इस लाइन को यहाँ ऐसे बढ़ा दूंगा इस पॉइंट से, तो ये 50, ये 90, तो ये कितना बचेगा, 40। तो यानी T2 हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं, T3, T2 और 30 किलो न्यूटन, लेकिन मुझे इसके अंदर थीटा नहीं पता, तो थीटा नहीं पता तो लामिश तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा नहीं भी, मैं इसे सिग्मा x इजगल टू जीरो से करूंगा। तो समीशन x इजगल टू जीरो जब आएगा तो T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, T3 साइन थीटा। साइन क्यों आएगा, क्योंकि वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल वाला कोस आएगा और हॉरिजॉन्टल वाला साइन आएगा। तो T3 साइन थीटा माइनस T2 कोस 40 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि ये 40 है तो ये माइनस का आएगा, डायरेक्शन इसकी लेफ्ट रहेगी। तो यहाँ से आ गया T3 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 कोस 40। T2 की वैल्यू आपको पता है, T2 कितना है आपका, आपका T2 यहाँ से आया था 29.23 इंटू कोस 40। तो यहाँ से आपका आ जाएगा T3 साइन थीटा इज इक्वल टू 22.4। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने इसे। अब समीशन y इजगल टू जीरो लेंगे तो T3 का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा T3 कोस थीटा, T2 का कंपोनेंट क्या आएगा, प्लस का आएगा T2 साइन 40 और माइनस के 30, ये वाला 30 डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा इजगल टू जीरो। तो यहाँ से T3 कोस थीटा की वैल्यू आपकी आएगी, ये इधर चला जाएगा, 30 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के T2 साइन 40। T2 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा T3 कोस थीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 29.23 इंटू साइन 40। तो यहाँ से आ गया T3 कोस थीटा इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.2। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपका आएगा T3 साइन थीटा ओवर T3 कोस थीटा इज इक्वल टू 22.4 ओवर 11.2। तो 11.2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, T3 से T3 कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कितना, कोस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2 और थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा निकल के 63.43। तो ये आ गया आपका एंगल, ठीक है, कि ये आपका जो ये वाली आपकी रोप है CD, ये कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, ये वाला थीटा, ये भी आ गया, ठीक है। नहीं, T1 T2 हमने निकाल लिया, अब बात बची किसकी, T3 की। तो हम क्या करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए T3 कोस 63.43 इज इक्वल टू 11.2, क्लियर। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को मैं इधर डिवाइड करूंगा तो T3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.04 न्यूटन, किलो न्यूटन में आएंगी सारी की सारी वैल्यू, क्योंकि ऊपर जो है
वो किलो न्यूटन ही दिया है। सारी की सारी वैल्यू आपकी किलो न्यूटन में आएंगी। यूनिट का भी खास ध्यान रखना है, अगर आपके जैसे यहाँ वेट दिए थे तो ये वेट किलो न्यूटन में दिए हैं, तो टेंशन भी आपकी किलो न्यूटन में ही आएगी। अगर ये आपकी किस में देकर रखता है, न्यूटन में, तो ये भी ये आपकी फिर न्यूटन में ही आती है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ये है, ए रोप ए बी 4.5 मीटर लो। एक रोप है ए बी, यानी ए सी डी बी, इस तरह से ये रोप गई है, ठीक है नहीं? इसकी पूरी की लंबाई कितनी है? 4.5 मीटर। लॉन्ग इज कनेक्टेड एट टू पॉइंट, दो पॉइंट पर कनेक्ट है, ए और बी पर, ठीक है, सेम लेवल 4 मीटर अपार्ट। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी दी है 4 मीटर, यानी यहां से यहां तक आपका आ गया 4 मीटर। अब ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट सी। सी पॉइंट पर एक 1500 न्यूटन का लोड लगा है। ऑन द रोप 1.5 मीटर फ्रॉम ए एज शोन इन फिगर। जो ए से कितनी दूरी पर है? ए से 1.5 मीटर की दूरी पर है। देखिए 1.5 मीटर दिया है। वाट लोड कनेक्टेड एट ए पॉइंट डी ऑन द रोप 1 मीटर फ्रॉम बी विल बी नेसेसरी टू कीप द पोजिशन सी डी लेवल। इसने कहा है बी से 1 मीटर की दूरी पर, ये बी से 1 मीटर की दूरी आ गई, हमें कितना वेट लगाना पड़ेगा कि आपका सी और डी एक लेवल में आ जाए। एक लेवल का मतलब सी डी आपका ओरिजोनटल रहे, ओरिजोनटल का मतलब कि आपकी पोजिशन इक्विलिब्रियम में रहे। तो मुझे डब्ल्यू वेट निकालना है। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले मैंने इधर ये डायग्राम बना दिया, ये है आपका, ये इस तरह से ये ऊपर फिक्स है, ये रस्सी होगी आपकी ए बी, सॉरी बी ये है, ये सी है आपका, और ये डी है। यहाँ वेट लगा है कितना? 1500 न्यूटन का। यहाँ वेट लगा है कितना आपका? डब्लू, ठीक है। ये आपकी कितनी है? ये है आपकी 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपकी 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब आगे देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो देखो एक ये वाली रस्सी है, ये वाली रस्सी है, ये दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जब तक मुझे इनके एंगल पता नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को ऊपर बढ़ाया इस तरह से, और इस पॉइंट को ऊपर बढ़ाया इस तरह से। क्लियर है? इसे मैंने क्या कह दिया? इसे मैंने ई कह दिया और इसे मैंने एफ कह दिया। क्लियर है? अब बात आती है एंगल की। मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। सबसे पहले मुझे ये एंगल निकालने हैं। एंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? इनका बेस या इनकी हाइट, क्योंकि एक तो मुझे इनका, चलो डायगोनल तो मुझे पता है, त्रिभुज का कर्ण तो मुझे पता है इधर भी और इधर भी। अगर इसके बेस या इसके लंब में से मैं एक चीज़ निकाल लूँ तो आराम से एंगल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें दिया क्या है? हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू एक्स और सी इज इक्वल टू वाई। ए कौन सा है? ये यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, और ये जो है ये सी ई, ये मैंने कितनी मान ली? वाई। देखो देखो सी ई और ये एफ डी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही लेवल में है, तो एफ डी इजगल टू सी इजगल टू आपका वाई आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं देखिए किसकी, ट्राइंगल ए ई सी। ए ई सी क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजगल टू कर्ण का स्क्वायर। तो आधार कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 1.5 का स्क्वायर। ये आधार आ गया, ये लंबा आ गया, ये कर्ण आ गया। तो यहाँ से कुछ ये आ गया आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजगल टू 2.25। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए आपको पता है ए से बी तक की लंबाई कितनी, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर ये दी है, तो आपने यहाँ लिख दिया ए बी इजगल टू 4 मीटर, ठीक। और आपको पता है ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, ये पूरा का पूरा कितना है? ये है 4.5 मीटर, यानी ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी इजगल टू कितना है? 4.5 मीटर, क्योंकि उसने कहा कि जो रस्सी है वो इसकी लंबाई इतनी है। अब आपको देखिए यहाँ ए सी पता है, ए सी कितना है? 1.5, और बी डी कितना है? 1। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ए सी की वैल्यू रखी 1.5 प्लस के सी डी प्लस के बी डी की कितना है? 1 इजगल टू 4.5। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 मीटर। सी डी कितना आ गया आपका? 2 मीटर आ गया, यानी ये वैल्यू आपकी 2 मीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब सी डी किसके इक्वल होगा? ई एफ के। तो यहाँ से ई एफ भी क्या आ जाएगा? ई एफ इजिकल टू सी डी इजिकल टू 2 मीटर। इतनी वैल्यू आपने आसानी से निकाल ली। क्लियर है? अब चलते हैं देखिए आगे। आगे की अगर मैं बात करूँ,
अब आपको निकालना है ये एफ बी, क्योंकि इस ट्राइंगल का तो एक्स निकाल लिया आपने, इसका एक्स निकालना पड़ेगा, इसका भी बेस निकालना पड़ेगा। तो एफ बी कितना आएगा, यहां से देखिए एफ बी आपका आएगा ए बी, भैया पूरी कितनी है ए बी, ए बी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एक तो ए ही माइनस कर दूंगा और एक आपका ई एफ। इस पूरी लाइन में से मैंने ये वाली माइनस कर दी, ठीक है ना, यानी ए बी में से क्या माइनस करा, ए ई और ई एफ दोनों माइनस कर दिए। तो एफ बी कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, चार, ए ई की वैल्यू कितनी है एक्स, और ई एफ की वैल्यू कितनी है दो, तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू माइनस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई आपकी टू माइनस एक्स, क्लियर है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, सर एफ बी निकाल लिया आपने, एफ बी निकालने के बाद अब ट्राइंगल बी एफ डी ले लो, बी एफ डी, बी एफ डी में क्या आएगा देखिए, बी एफ स्क्वायर प्लस के डी एफ स्क्वायर इजगल टू वन का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बी एफ का स्क्वायर प्लस के एफ डी का स्क्वायर इजगल टू वन का स्क्वायर। तो बी एफ कितना है, बी एफ है आपका टू माइनस एक्स का स्क्वायर और यह है वन, डी एफ क्या है आपका, डी एफ है आपका वाई इजगल टू वन। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा, फोर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के वाई स्क्वायर इजगल टू वन, क्लियर है। बी एफ की वैल्यू आपकी टू माइनस एक्स का स्क्वायर आ गई और डी एफ आपका आ गया ये, तो यहां से ये आ गई आपकी वैल्यू फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के वाई इजगल टू वन, इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब देखिए बात करते हैं वन और टू की, ठीक है, तो वन में से टू को माइनस कर दो, वन माइनस टू, तो जैसे ही वन में से टू को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू 2.25 माइनस के वन। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा, ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के फोर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स माइनस के वाई स्क्वायर इजिकल टू 1.25। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये बचा आपका यहाँ से फोर एक्स इजिकल टू 1.25, ये फोर इधर आ गया प्लस का हो गया, ये आ गया 5.25। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, x आ गया 1.3125, x की वैल्यू निकाल ली। अब जब ये x की वैल्यू आ गई तो ये निकल गया x आपका, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, तो आप आराम से अंगन निकाल लेंगे। तो पहले अल्फा निकाल लो, तो कोस अल्फा क्या आएगा आपका, कोस आएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, कर्ण कितना है 1.5, x की वैल्यू कितनी है 1.3125 ओवर 1.5, तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 28.95 डिग्री, क्लियर है। अब अल्फा निकालने के बाद आप क्या निकाल लेंगे, बीटा, तो देखिए कोस बीटा कितना आएगा, यहाँ से कोस बीटा आपका आएगा 2 माइनस एक्स ओवर 1, ठीक है नहीं, तो टू इसकी वैल्यू पता है आपको, 2 माइनस 1.3125 ओवर 1 इजिकल टू कितना आ गया, यह आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के बीटा की वैल्यू 46.56। कैलकुलेटर सोल्व कर लेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, आपने अल्फा बीटा निकाल लिया। देखिए अब अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लामिश थ्योरम लगानी है इसके अंदर, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैंने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट में देखिए कितना लोड लगा है, एक लोड ये लगा है सी पॉइंट पर 1500 न्यूटन का, एक ये आपकी टेंशन हो जाएगी इसमें और एक टेंशन आपकी ये हो जाएगी। मैंने मान लिया इधर टेंशन कितनी है T1, इधर टेंशन कितनी है T2, देखिए ये T1 है और ये आपकी T2 मान ली मैंने इधर, ठीक है, और इसमें मान ली मैंने T3, क्लियर है। अब देखिए आपको पता है ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो आपका ये भी एंगल कितना होगा अल्फा, तो आपको पता है ये एंगल आपका अल्फा आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब मैं क्या लगाऊंगा, जब मैं यहाँ लामीज लगाऊंगा तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपको पता है, अल्फा इजिकल टू आपका आया था 28.95। तो इसमें लामीज लगाते ही आपका ये आएगा, देखिए T1 ओवर साइन 90 इजिकल टू T2 ओवर साइन 118.95 इजिकल टू 1500 अपॉन साइन 151.05। कैसे आया, देखिए T1 के नीचे ये वाला एंगल आएगा, ये 90 है, T2 के नीचे कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, ये पूरा कितना आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, ये नहीं आएगा, और ये वाला एंगल बचेगा आपका 151.05। 360 में से दोनों माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसके इक्वल इसे रखेंगे, इसके इक्वल इसे रखेंगे, तो यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, T1 आएगा आपका ये, क्लियर है, और आपका T2 यहाँ से आएगा
27.11.09 न्यूटन। तो T1 T2 तो आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं, देखिए कौन से पॉइंट की, अब बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। डी पॉइंट पर एक तो ये डब्लू वेट काम कर रहा है, एक आपका ये काम करेगी और एक आपका ये आपकी T2 होगी और ये आपकी T3। ठीक है, ये एंगल कितना है बीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको पता है, ये एंगल आ गया आपका 46.56 डिग्री। क्लियर है। अब इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, T2 की वैल्यू आपने निकाली ली, T2 की वैल्यू ये रही आपकी। अब इसमें लामीज लगा दीजिए, T3 ओवर sin 90 इजिकल टू T2 ओवर sin 136.56 इजिकल टू आपका आ जाएगा W ओवर sin 133.44। ठीक है, यहाँ से इसके इक्वल इसे रखेंगे, इसके इक्वल से इसे रखेंगे तो T3 और W की वैल्यू आ जाएगी आपकी। T3 आपका आएगा 3942.5 न्यूटन और W आपका आएगा 2862.9 न्यूटन। यही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है कि कितना वेट हमें यहाँ लगाना था। तो ये W वेट आपने निकाल लिया, जो आपका W वेट आया है, ये W वेट आपका कितना आया है, 2868.9 न्यूटन। इसके साथ साथ आपने रस्सियों में टेंशन भी निकाल ली कि इसके अंदर कितनी टेंशन होगी, इसके अंदर कितनी टेंशन होगी, इसके अंदर कितनी टेंशन होगी। यहाँ मैंने मानी T1, यहाँ मैंने मानी कितनी T2 और यहाँ मैंने मान ली T3। तो आसानी से हो जाएंगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इसी के साथ आपका बेसिक कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो कंप्लीट होता है। क्लियर है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक न्यूमेरिकल और है, इसे आप खुद करके देखिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए यह है आपका इस तरह का, ये न्यूमेरिकल आप खुद करके देखिएगा। ठीक है नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप नोट कर ले पूछा क्या है और करना कैसे। क्लियर है, आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये हमने किया है। ये देखिएगा आप, ये है, फिर ये ऐसे है। क्लियर है, उसके बाद फिर ये हमने ऐसे किया, पॉइंट बी लिया, फिर हमने प्रेशर ऑन पैग लिया, फिर यहाँ से सब की सब वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं से, आप ये मान के चले कि ये आपका असाइनमेंट है। बस इस असाइनमेंट में अगर आप कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग दी है एक ABCDE स्ट्रिंग दी है। ठीक है नहीं, इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ। एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए ये पुली आपकी स्मूथ है, तो यहाँ से जो पुली ये जा रही है, इन दोनों पुली में क्या होगा,